तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। अब ढक दो उसको, बाकी बचा हुआ ढक दो। नहीं नहीं बड़ी बात मत है, हम थोड़ा बोल प्याज काटी जा रही है, दाल और चावल है, गाठिया लड्डू। हम जा रहे हैं अभी गंगा माँ की देरी पे, और अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजने वाले है। सो वहीं जाएंगे गंगा माँ की देरी में, वहाँ पर नया धजा डलाएंगे, थोड़ा सा दिया वगैरह करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर हम निकलेंगे घर के। आए हैं गंगा माँ को धजा चढ़ाने के लिए। ये ऑलरेडी हमने पुरानी चढ़ाई थी, अभी ये वाली हम नई चढ़ा रहे हैं। इस बार हमने मौका हीना को दिया है कि वो धजा चढ़ाए। जय गंगा माँ, जय गंगा माँ। वाह क्या धजा है, एकदम बढ़िया सी धजा लग गई है। अभी ऐसे फहरेगी, लहरा दो हर खुशी का परचम लहरा दो। हमारे खेत के माता जिनका नाम है गंगा देवी, और गंगा माँ हमारे खेत का ध्यान रखती है। हमारा खेत की बेटी है ऐसा माना जाता है, और फुल सब कुछ यहाँ पर देखिए कैसा मस्त इनको सब वो किया हुआ है। सारे आजू बाजू के खेत वाले यहाँ पर पूजा करने आते हैं इनकी। जय गंगा माँ। चलिए हमने गंगा माँ को चूनर चढ़ाने आए हैं। जय गंगा माँ, जय गंगा माँ। हम लाल कलर का हार इसलिए लाए हैं ताकि थोड़ा अलग लगे, कॉन्ट्रास्ट एकदम। गाड़ी लेके आया हूँ गंगा माँ के पास, क्योंकि मेरे को गाड़ी को भी ऐसा थोड़ा दर्शन करवाने का होता है ना, गाड़ी को भी ऐसा गंगा माँ के वहाँ लेके आया जानबूझ के। गंगा माँ की ज्योति प्रगटा रहे हम। बस अभी जाने से पहले एक बार लाखरी चाय बन रही है, हिना बना रही है चाय। हिना बेचारी बहुत आज काम की है, बेचारी बहुत मेहनत करती है।
हम आ चुके हैं रवापरी माता के मंदिर, थोड़ा सा दर्शन करना था हिना को, सो हम यहाँ आए थे। अब हम बस यहाँ से जा रहे हैं, दर्शन हो चुके हैं हमारे, सो अब घर जाएंगे। वाउडी से आए थे, बहुत थक गए थे, सो बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपके आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और उसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर, नवा वर्ष ना हार्दिक शुभकामना। आशा करूँ छू कि आ वर्ष तुम्हारा माटे खूब सारो जाए। बाय बाय, टेक केयर। तो आज है न्यू ईयर के नाइट वाला डे, और कुछ ग्रह इधर उधर हो गए, उसकी वजह से आज दूसरा त्योहार भी शुरू हो गया। मतलब एक ही दिन में दो दिन है, लाइक साइंस, समझे। सो आज कुछ त्योहार है जिसके लिए हम सेलिब्रेट करने आए। हिना से पूछ लीजिए क्या है वो। आज भाई दूज है, तो मैं अपने भाई को बाहर डिनर पे लेके आया हूँ। घर पे क्या खाना बनाया? आलस आ रही थी।